वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे सीआईटीएस संबंधित, क्योंकि देखिए सीआईटीएस का जो भी प्रोसेस चल रहा था एडमिशन का, वो अभी भी एडमिशन का प्रोसेस चल ही रहा है। इसमें क्या है कि बहुत सारे रूल जो है बहुत जल्द ही चेंजिंग हो जाता है। पहले जो नोटिस आता है उसमें बताया कुछ जाता है, लेकिन दो तीन दिन बाद जल्द ही क्या होता है कि दूसरा अपडेट दे देता है। तो व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आया या जो लोग का कंफ्यूजन है, उसके अनुसार क्या करते हैं कि इसमें दो तीन मिनट का फिर वीडियो बना देते हैं, जिससे कि जिन लोग का कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो ट्रांसफर का डेट रखा है, 11-12 सितंबर रखा है। उन्होंने बताया है कि 9 सितंबर तक जिसका अटेंडेंस नहीं बना होगा, उसका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी जो लोग एडमिशन कॉलेज में ले लिए हैं और कॉलेज पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लगातार एब्सेंट जा रहे हैं, उनका एडमिशन क्या होगा, 9 सितंबर तक कैंसिलेटेड हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, उसका नाम रद्द हो जाएगा और वहाँ पे जो वैकेंसी सीट रहेगा उसको उसमें ऐड करके दिखाया जाएगा। सबसे बात उसके बाद कहीं कहीं क्या है कि क्या हो रहा है कि मतलब बायोमेट्रिक एडमिशन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने लिखा है कि अगर जहां पे बायोमेट्रिक एडमिशन नहीं हो रहा है तो वहां तो कोई बात नहीं, उसका जो रजिस्टर होगा वहां पे सिग्नेचर होता होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग एडमिशन ले लिए हैं और पढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं, लगातार एब्सेंट जा रहे हैं, उनका ज्यादा चांस है कि 9 सितंबर तक नाम कट जाएगा, ठीक है। और उसमें एक पॉइंट है कि अब सीट कहाँ खाली है ट्रांसफर के लिए, तब उन्होंने लिखा है कि 10 तारीख को सीट दिखाया जाएगा कि सीट कहाँ खाली है। सीट जब देखिएगा तो आप अप्लाई करिएगा ट्रांसफर के लिए 11-12, ठीक है। और एक बात उन्होंने और लिखा है कि जो ट्रांसफर होगा वो तो NSTI का होगा और ITOT गवर्नमेंट ITOT का होगा, प्राइवेट के बारे में उन्होंने उसका कुछ लिखा नहीं। लेकिन अगर ज्यादा और जानकारी चाहिए, जो प्राइवेट में ITOT जो प्राइवेट में कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑफिस बात कर लेंगे, DGT ऑफिस कंफर्म हो जाएंगे। और एक बात और उन्होंने लिखा है कि अगर ट्रांसफर आप लेते हैं तो क्वार्टर नहीं, यानी हॉस्टल नहीं भी मिल सकता है, हॉस्टल नहीं भी मिल सकता है। अगर जहां आप ट्रांसफर जाते हैं वहां हो सकता है हॉस्टल खाली नहीं होगा, तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, कुछ लोग लिखे हैं कमेंट में कि क्या सर जो एग्जाम नहीं दिया है उसका भी स्पॉट एडमिशन में होगा। तो देखिए इस बार तो नोटिस में उन्होंने लिखा नहीं है, पहले लिखा था कि वो लोग भी भाग ले सकते हैं, लेकिन अभी 6 सितंबर को एक नोटिस दिया, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो वो लोग कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऑफिस भी बात कर लेंगे और ट्रांसफर वही लोग करेंगे, देख लेंगे कि ट्रांसफर आप जहाँ करना चाह रहे हैं वहाँ अगर हॉस्टल खाली रहेगा तो मिलेगा, लेकिन ज्यादा चांस है कि नहीं भी मिल सकता है, नहीं खाली रहेगा तो। उन्होंने साफ लिखा है कि हॉस्टल नहीं भी मिल सकता है। और एक बात और है कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जो ऑलरेडी ट्रांसफर ले चुके हैं उनका ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा उन्होंने पिछले वाले नोटिस में दिया था। लेकिन अभी जो 6 सितंबर का नोटिस लोड हुआ उसमें ये भी लिखा है कि जो लोग एक बार ट्रांसफर ले चुके हैं वो भी ट्रांसफर ले सकते हैं। तो जिनका ट्रांसफर एक बार हो चुका है और दोबारा फिर ट्रांसफर दूसरा लेना चाहते हैं तो ट्रांसफर ले सकते हैं। उसके बाद जब ट्रांसफर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सितंबर जो 16-17 सितंबर है उसमें स्पॉट एडमिशन होगा। जो लोग एग्जाम में भाग लिए हैं, परीक्षा दिए, वही लोग जाएंगे जहां जहां सीट खाली होगा, और जो लोग पहले पहुंचेंगे एडमिशन पहले उनका होगा, ठीक है। और स्पॉट किन्हीं लोग का क्वेश्चन था कि स्पॉट के बाद क्या कंटिन्यू क्लास जाना होगा, तो देखिए 1-2 दिन का टाइमिंग तो मिलेगा। अगर आप एडमिशन लेते हैं स्पॉट एडमिशन 16-17 में तो 1-2 दिन का टाइमिंग मिलेगा, तो आप घर जाके सामान उमान ला के फिर वहां रह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर की मेन बात है, ट्रांसफर अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तब ट्रांसफर करवाइए। कारण क्या है कि हो सकता है हॉस्टल नहीं भी मिल सकता है, हालांकि खाली रहेगा तो हॉस्टल मिल भी जाएगा, ठीक है। और तो कोई पॉइंट नहीं है, इतना ही सभी लोग का कंफ्यूजन था, तो सब लोग का रिप्लाई देना संभव नहीं था, वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया। और कोई अगर पूछना होगा कुछ तो वीडियो का कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।